Everyone, channel, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हिसाब वाला हूं बी एंड सी दोनों ही काफी अच्छा पोटेंशियल रखते हैं एक अपसाइड मूव दिखाने का और यह करंट लेवल से भी 10 टू 20 परसेंट के गेन्स आपको दिखा सकते हैं जो सी का स्टॉक है दैट इज डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइडर एंड BSE जैसा कि आप सब लोग जानते हैं एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप है राइट right? डिस्क्लेमर जो भी वीडियोस हम इस पर्टिकुलर चैनल पर प्रेजेंट करते हैं दैट इज कम्प्लीटली फ्री एंड अगर आपको किस, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करे राइट right? पिछले कुछ दिनों में हमने अपने चैनल पर वीडियोस रखी थी इन रिलेशन टू मल्टी बैग स्टॉक टू बाय नाउ जहां पे हमने अंबुजा हम सीमेंट आपके साथ डिस्कस किया था आईएफबी इंडस्ट्रीज हमने आपके साथ डिस्कस किया था और साथ ही साथ आपको गोल्ड और सिल्वर के बारे में भी बताया था उससे पहले आप देख सकते हैं हमारे जो स्टॉक्स है कल्याण ज्वेलर्स ताजीबी के नुबामा आपको काफी अच्छा रिटर्न बनाते हुए दिखाई दिए है राइट और ये आज के दिन जो मार्केट था जिस हिसाब से आपको स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स में तेजी दिखी विच वाज वेरी कमेंडेबल और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रेक अवे बना था मिड कैप के चार्ट में और यहाँ पे काफी अच्छा स्ट्रांग क्लोजिंग भी आपको होता हुआ दिखाई दे दिया है राइट right? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड था जो आपने आज देखा ये कंटिन्यू रह सकता है और जो हमारा मार्केट है वो एक नया 52 वीक हाई इन टर्म्स ऑफ मिड कैप एज वेल एज स्मॉल कैप आपको दिखाता हुआ दिखाई दे सकता है राइट right? मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जो प्रीवियस हाई था वो था रफली अराउंड फोर्टी ये एक बार फिर से डबल टॉप या फिर अगर 49,750 को डिसाइसिवली

टू अट एंडन इट स्टार्ट कंसोलीटिंग और उसके बाद अगर अपना ये जो ट्रेंड है वो डिसाइड करता है इट इज माई ओपिनियन दैट मार्केट में जो न्यूज फैक्टर इन होने वाली है इन टर्म्स ऑफ बीट बीट इलेक्शन द आउटकम ऑफ दिलेक्शन इज गोइंग टू बी वो चीजें आपको फैक्टर इन होते हुए दिखाई दे सकती है ऐसे बड़े मूव के साथ बिकॉज मार्केट हमेशा फ्यूचर लुकिंग होता है और आपको पता होना चाहिए कि जब भी मार्केट में पॉसिबल डिप्स आते हैं और अगर ऑपरचुनिटीज दिखाई देती है तो वहां पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा भर भर के लगता है और ऐसी मूव मेरे हिसाब से फॉरेन इंस्टीट्यूशन ही ला सकते हैं इन चलिए अब बात करते हैं पहली कंपनी के बारे में पहली कंपनी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है सी डी एस एल लेट मी रिफ्रेश दिस पेज आप देख सकते हैं ओके जस्ट अ मिनट राइट दिस इज द डेली चार्ट ऑफ सी और आप देख सकते हैं जो बॉटम लेवल था जो फिफ्ट ट्वेंटी 20... टू हंड्रेड इज मूविंग एवरेज है वो निकल के आता है सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज़ के आसपास ये पर्टिकुलर स्टॉक रफली अराउंड नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री से एक पर्टिकुलर जोन में क्लोज आपको होता हुआ दिखाई दिया है एंड रिसेंटली दो दिन पहले ही यहाँ पे एक मेजर स्टेक सेल हुआ था मैं आपको यहाँ पे न्यूज भी दिखा सकता हूँ जो इंडिया की सेंट्रल डिपॉजिटरी थी वो ब्रेक हुआ था बिकॉज स्टैंडर्ड चार्टर बैंक ने सेवनटीन हंड्रेड ट्वेल्व रुपीज पे नाइन करोड़ के शेयर्स बेचे थे राइट नाउ यू विल बी आस्किंग की यहां पे तो आपको सेलिंग देखने के लिए मिल रही है यहाँ पे वॉल्यूम्स इतने हाई सेल हुए हैं बट अगर आप फॉलो अप एक्शन देखे इस पर्टिकुलर स्टेक सेल का तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पिछले दो दिन से काफी अच्छे वॉल्यूम बिल्डअप होना स्टार्ट हो गए हैं विच शोज दैट कि जो स्टेक सेल बिका है वो स्ट्रोंग हैंड्स के हाथ में बाइंग अपॉर्चुनिटी दे गया है एंड सम पीपल और सम बिग इंस्टीट्यूशन आर एक्वायरिंग दिस स्टेक सेल ऑफ CDSL, right? आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर जो स्टॉक था आज के दिन आपको 7.35 परसेंट अप देखने के लिए मिला है और कल के दिन मुझे लगता है 1845 के ऊपर निकलते ही ये पर्टिकुलर स्टॉक अपनी जो छोटी सी रेंज है उसके बाहर आ जाएगा राइट लेट मी शो यू ये जो पर्टिकुलर रेंज है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने बना रखी है 1824 से लेके 1636 राइट सो रफली 200 पॉइंट्स तो so 200 पॉइंट्स यहां से यानी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको दोबारा से एक बार टू थाउजेंड रुपीज के टारगेट दिखा सकता है यस yes, जो सी डी एस सिल्क का स्टॉक है वो एक बार फिर से पोटेंशियल रखता है अपने फिफ्टी फाइव फिफ्टी टू हाई को टच करने का और अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो काफी अच्छी तरीके से अगर ये टू थाउजेंड के लेवल को भी सस्टेन कर जाए तो आपको इतने ही बड़े जो पे आपको टारगेट्स देखने के लिए मिल रहे विच इज वॉस टू थाउजेंड रुपीज टू सिक्स हंड्रेड रुपीज फोर हंड्रेड तो यहाँ पे फोर्टीन हंड्रेड तक भी टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इन लॉन्ग टर्म परसपेक्टिव एन सी डी एस एल ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छे एक्यूमुलेशन बन रहा है यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए जो नेक्स्ट स्टॉक है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है बी का आप देख सकते हैं सिमिलरली नवंबर 2020 नवंबर 2023 से लेकर अभी तक ये पर्टिकुलर स्टॉक एक रेंज में बंद था यहाँ पे काफी अच्छे वॉल्यूम बिल्डअप होते हुए दिखाई दिए है पिछले पांच दिनों में राइट right. और इस पर्टिकुलर कंपनी ने आज अपना 52 वीक हाई ब्रेक कर दिया है सिमिलर एक्शन अगर मैं कहूं तो आपको मैंने कल्याण ज्वेलर्स में बताया था जोमैटो में बताया था और अगर आप आज देखें कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक एक मैसिव अप मूव आपको दिखाता हुआ दिखाई दिया था इसने जैसे ही ये 52 वीक का हाई ब्रेक किया है वहां से आपको रफली अराउंड टू के रिटर्न्स ये ऑलरेडी दे चुका है अभी भी मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक और ऊपर जा सकता है एंड फोर हंड्रेड एटी के टारगेट्स को टच कर सकता है अनटिल और अनलेस इट ब्रेक्स दिस प्रीवियस स्विंग लो राइट सिमिलर कहानी आपको बीएससी में होते हुए दिखाई दे सकती है यहाँ पे एक सपोर्ट बन के आया है छब्बीस सौ रुपए का अगर अगले दो तीन दिन ये पर्टिकुलर स्टॉक इनसाइड कैंडल फॉर्म करता है और अपने इस प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ता नहीं है राइट right? जो पहले आपके लिए रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है और अगर इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है और ऐसे इनसाइड कैंडल्स बनाता है देर विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक जो कि आपको टारगेट देके जा सकता है छब्बीस जो कि आपको टारगेट देके जा सकता है थ्री थाउजेंड रुपीज तक के इनिशियली मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थ्री थाउजेंड तक का मूव उससे पहले ही आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए बिकॉज थ्री थाउजेंड इज गोइंग टू बी आ साइकोलॉजिकल लेवल फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक तो ये दोनों ही स्टॉक्स मेरी रडार पे है मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और आपको मैंने जितने भी पुराने स्टॉक्स दिए थे बी इट कल्याण ज्वेलर्स बी इट योर जोमैटो बी इट गोकुल एग्रो सभी स्टॉक्स में एक काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने के लिए मिला है और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है सिमिलर स्टॉक है कोचिन शिप का भी राइट कोचिन शिपयार्ड यार्ड में भी एक ऐसा मूव आपको देखने के लिए मिल सकता है आप देख सकते हैं ये जो कैंडल है ऐसी ही कैंडल आज बी में फॉर्म हुई है दिस कैंडल कैंडल करेक्ट एंड इसी के बाद जो Zomato का स्टॉक था वो दो या तीन दिन इनसाइड

मैक्सिमम अगर आपको देखे जोमैटो तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए दैट इज़ माई ओपिनियन एंड आई विल डूइंग द सेम दैट्स इट फॉर टुडे आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू गुड ओवर व्यू ऑफ दी स्टॉक्स एंड गुड ओवर व्यू एंड अपडेट्स ऑन माई प्रीवियस स्टॉक सेलेक्शंस दैट्स इट हैप्पी इन्वेस्टिंग